नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आमड़ापाड़ा और लिट्टीपाड़ा के बीच बस और गैस सिलेंडर ट्रक में हुई भीषण टक्कर, 5 लोगों की घटनास्थल पर हुई मौत, कई लोग हुए घायल। जिले के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंदकिशोर लाल दल बल के साथ निकले सड़कों पर, कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों को लगाई फटकार। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हुआ नक्सली हमला, 2 बॉडीगार्ड की गला रेत कर हुई हत्या के विरोध में बीजेपी मानगो मंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का किया पुतला दहन। और कोल्हान समेत पूरे झारखंड में शुक्रवार से बदलेगा मौसम का मिजाज, छाएंगे बादल, बारिश की जताई जा रही है संभावना। खबरें विस्तार से। कृष्णा रजत बस और गैस सिलेंडर ट्रक में भीषण टक्कर होने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई, वहीं 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घटना अमड़ापाड़ा और लिट्टीपाड़ा के बीच की है। सुबह में कुहासा के कारण यह हादसा हुआ, वहीं 5 लोगों के मरने की सूचना है और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच कर रही है। वहीं जमशेदपुर जिला प्रशासन कोरोना रोकथाम को रोकने हेतु सतर्क नजर आ रही है, जहां जिला के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंदकिशोर लाल दल बल के साथ बुधवार को शहर के सड़कों पर निकले और नियमों के उल्लंघन करने वालों को फटकार लगाते नजर आए। सबसे पहले इन्होंने साक्षी बाजार इलाके का भ्रमण किया, जहां फुटपाथ पर लगे दुकानों में भीड़ को देखते हुए वे भड़क गए और सभी दुकानें बंद करवाई। साथ ही स्थायी दुकानदारों को भी भीड़ नहीं लगाने, मास्क का इस्तेमाल करने और सामाजिक दूरी का पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने बाजार इलाके में बिना मास्क के घूमने वालों को फटकार लगाई, साथ ही आगे बिना मास्क के पाए जाने पर फाइन और नियमों के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कही। उन्होंने ठेले और खोमचे वालों को भी भीड़ नहीं लगवाने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि आम जनता ही संक्रमण के चेन को तोड़ सकती है और इस कारण जनता को इस पर सहयोग करना होगा। लोगों के माध्यम से विभिन्न अखबारों में साक्षी बाजार में मानगो ये जो मंगला बाजार के बारे में काफी खराब न्यूज छपा है, काफी भीड़ भाड़ दिखाया गया है और कल ही के दिन में 402 लोग यहाँ पे कोरोना संक्रमित हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर ये भीड़ भाड़ को नहीं कम किया जाए तो इसका संक्रमण और बढ़ेगा, इसलिए इन लोगों को वैकल्पिक उपाय करते हुए हम लोगों ने अपील जारी किया है और अपील किया है, हम है DSP साहब हैं, JNSC के स्पेशल अफसर हैं, हम लोगों ने एक अपील किया है कि आप लोग जाकर आम बगान में लगाइए जब तक कोरोना संक्रमण ठीक नहीं होता है। पिछले बार भी हम लोगों ने छोड़ दिया था जब कोरोना संक्रमण खत्म हुआ था, अब हमें इनकी सहयोग चाहिए, इसलिए सबको हमने अपील किया है कि आप जा करके आम बगान पे लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ करें। यहाँ के होलसेलर से भी मैंने यही अनुरोध किया है कि आप इन्हें प्रोत्साहित करिए आम बगान में लगाने के लिए और हमें सहयोग करिए और जमशेदपुर वासियों को बचाने के लिए आप अपनी भूमिका निभाएं, यही हमारी अपील रही है। साथ ही आपको बता दें, कोल्हान समेत पूरे झारखंड में शुक्रवार से बदलेगा मौसम का मिजाज, छाएंगे बादल और बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। कोल्हान समेत पूरे झारखंड में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। इन दिनों बीते 5 दिनों से लगातार ठंड में वृद्धि हुई है। वहीं मंगलवार को जमशेदपुर का न्यूनतम पारा 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 दिन यानी बुधवार व गुरुवार को लोगों को ठंड व धुंध का सामना करना पड़ सकता है। वहीं राजस्थान में बन रहे साइक्लोन का असर झारखंड में देखने को मिलेगा, इस कारण झारखंड में बारिश के आसार है। 7 जनवरी से राज्य में बादल छाए रहेंगे, इसके 48 घंटे के बाद 9 से 12 जनवरी तक बारिश के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में 9 जनवरी से अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, इससे राज्य में ठंड का प्रभाव कम होगा। वहीं लगातार 2 दिन तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा, मौसम शुष्क रहने की संभावना है और दिन चढ़ते ही धूप खिली रहेगी। और वहीं बीजेपी मानगो मंडल की ओर से पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर नक्सली हमला और उनके 2 बॉडीगार्ड की गला रेत कर हुई हत्या के विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन मानगो स्थित खुदीराम बोस चौक में किया गया और हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कल जो मनोहरपुर में घटना घटी, हमारे भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक जी के जो नक्सली हमला हुआ जिनमें उनके 2 बॉडीगार्ड शहीद हुए, उसके विरोध में
यह जो सरकार गिरती कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार सोई हुई है, उसको जगाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कि यहाँ पर नक्सली हमला बंद हो, झारखंड राज्य में कानून व्यवस्था लागू हो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सड़क उतर कर विरोध कर रही है और यह तख्त ताज उनका पलट कर उनको नीचे उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में जनवरी को होने वाले पल्स पोलियो अभियान के तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान विभिन्न एनजीओ एनसीसी के पदाधिकारी मुख्य रूप से शामिल हुए, जहां इस समीक्षा बैठक में जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर ए के लाल, एनसीसी के पदाधिकारियों समेत स्वास्थ्य कर्मचारी मुख्य रूप से मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम जिले में आगामी 23, 24, 25 जनवरी को संचालित होने वाले पल्स पोलियो अभियान की तैयारी की समीक्षा की गई। वहीं जानकारी देते हुए DRCHO डॉक्टर माझी ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात करें तो 0 से लेकर 5 साल तक के कुल 3,85,000 बच्चे हैं जिनको पल्स पोलियो की खुराक देनी है। उन्होंने बताया कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विभाग द्वारा अपनी तैयारी कर रखी गई है। सरकार का निर्देश आते ही इस अभियान को संचालित किया जाएगा। इसी कड़ी में अभियान की तैयारी के संबंध में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सिविल सर्जन द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। आगामी पल्स पोलियो जो 23 जनवरी 23, 24 और 25 को आयोजित होने जा रहा है, उसके संबंध में तैयारी के लिए की समीक्षा के लिए जितने एनजीओ पार्टनर है और एनजीओ पार्टनर के साथ साथ कुछ ट्रांजिट बूथ जो एनसीसी एनओसी के द्वारा संचालित किया जाता था पूर्व में, उनको बुलाया गया है, समीक्षा किया जा रहा है कि इसके पहले हम लोग उन लोगों से एक मीटिंग पूर्व में आयोजित हम लोग ने किया था, उस मीटिंग में कुछ निर्देश दिए थे तो उसके आलोक में समीक्षा किया जा रहा है। और बिहार के बाहुबली नेता रहे आनंद मोहन को पूर्व सांसद पत्नी लवली आनंद और शिवहर के विधायक चेतन आनंद बुधवार को झारखंड दौरे के क्रम में जमशेदपुर पहुंचे, जहां आनंद मोहन के समर्थकों ने दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया। वैसे दोनों नेताओं का जमशेदपुर आगमन बिहार के राजधानी पटना में आगामी 19 जनवरी को आयोजित सिंह गर्जना रैली को लेकर फ्रेंड्स ऑफ आनंद के समर्थकों को न्योता देना बताया गया। हालांकि इसके बहाने देश भर के राजपूतों का जुटान राजधानी पटना में किया जा रहा है। बता दें कि 29 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है। बिहार की राजधानी पटना में क्षत्रियों का जुटान कर बिहार सरकार पर पिछले 14 वर्षों से जेल में बंद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर दबाव बनाना और राजधानी पटना में महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा लगवाना है। पूर्व सांसद लवली आनंद ने बताया कि उनके पति निर्दोष होने के बाद भी पिछले 14 वर्षों से सलाखों के पीछे हैं। उनके साथ आज तक इंसाफ नहीं हुआ, जिससे उनके समर्थकों में घोर मायूसी है। उन्होंने बिहार सरकार से अपने पति के ससम्मान रिहाई की मांग की है। वहीं शिवहर के विधायक सह आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद ने राज्य सरकार पर महापुरुषों का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव पूर्व किए गए वायदे के तहत राजधानी पटना में महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा स्थापित कराने की मांग की है। साथ ही फ्रेंड्स आनंद ग्रुप के सदस्यों से अधिक की संख्या में सिंह गर्जना रैली को सफल बनाने की भी अपील की है। कि एक पर्सनल जैसे दुश्मनी निकाली जा रही है एक व्यक्ति से, और दुश्मनी क्या, दुश्मन नहीं होता है पॉलिटिक्स में। ये मेरा ये मानना था कि दुश्मन नहीं होता, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि आज बिहार सरकार अपने प्रतिद्वंदियों को दुश्मन मानती है। इसके लिए आप लोग क्या करने जा रहे हैं? पहले तो हमारा सिंगर जना रैली होगा, उसके बाद हम लोग लगातार देखिए आंदोलन, जब तक लड़ाई तो हमारे एक तरीके से खून में ही है। हमारे परदादा कोसी के गांधी कहलाते थे, फ्रीडम फाइटर थे, हमारे दादा फ्रीडम फाइटर थे, मेरे पिताजी खुद जेपी सेनानी थे, तो जो हमारे हिस्से की लड़ाई है उसको लड़ने में हम थोड़ी ना पीछा हटने वाले। कहाँ करने जा रही हैं? नहीं, लगातार होते रहेगा, जब तक आनंद मोहन जी का ये रिहाई नहीं हो जाता है तब तक लगातार होगा। पहले तो है सिंह गर्जना रैली जो पटना में होने वाला है, हाँ, और पटना में ही ये हम लोग करेंगे। उनतीस जनवरी को बिहार में महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि समारोह है और उसमें उसका नाम है सिंह गर्जना रैली। उसमें लोगों को आमंत्रित करने के लिए आए हैं कि अब जान रहे हैं कि आनंद मोहन जी 14 साल 6 महीने से निर्दोष होते हुए जेल के अंदर हैं,
तो उनका सम्मान रिहाई हो, महाराणा प्रताप का आदम का प्रतिमा लगे मुख चौराहे पर, जैसा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने घोषणा भी किया था, और छुट्टी भी घोषित हो पुण्यतिथि पर, महाराणा के पुण्यतिथि या जन्मतिथि पर एक दिवसीय छुट्टी की घोषणा करे। सरकार बोल दी है लेकिन अभी अमल नहीं हो रहा है। आप लोग जान रहे हैं कि 2019 में महाराणा प्रताप का ही जयंती था, तो उसमें बिहार के मुख्यमंत्री ने कहे थे कि हमारे पुराने साथी हैं, लेकिन आज तक हमें भी उनकी चिंता है। तो आनंद मोहन जी को सब लोग जान रहे हैं, बिहार का बच्चा बच्चा जान रहे हैं, नेता तो जान ही रहे हैं कि वो निर्दोष हैं, लेकिन जब उनका समय पूरा हो गया है तब भी उनको सरकार बिहार की बाहर नहीं निकाल रही है। उधर पाताकोचा में लगभग 18 जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया, किसानों की रबी फसल को बर्बाद किया। राजनगर प्रखंड कार्यालय से महज 2 किलोमीटर आगे बांदो पंचायत के पाताकोचा में लगभग 18 जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया है। कई किसानों के रबी फसल को बर्बाद किया, किसान प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि बीती रात से मंगलवार भोर सुबह तक लगभग 15 से 18 जंगली हाथियों का झुंड चौरा पहाड़ से उतरते हुए बांदू बुरुबेड़ा से होते हुए पाताकोचा जंगल की ओर चले गए। वहीं किसानों के द्वारा खेती की गई फसल को रौंदते हुए खेत में उपजे फसल को खा गए, तो कई फसलों को नष्ट कर दिया। किसानों के कई एकड़ में लगे फसल बर्बाद हो गए, जिसे लेकर पाताकोचा के किसान काफी चिंतित है और भयभीत है। वहीं ग्रामीण किसानों का कहना है कि वन विभाग के द्वारा हाथियों से बचाव के लिए अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना पटाखा उपलब्ध कराया गया है ना टॉर्च। वन विभाग की स्थिरता के कारण हमें हाथियों का आतंक झेलना पड़ रहा है। वहीं किसानों ने अपने खेत में हुई फसल की क्षतिपूर्ति के मुआवजे के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। चल गया है, कब की घटना ये? 3 तारीख रात की है। अच्छा, 3 तारीख रात की है। लगभग कितने हाथियों का झुंड यहाँ आया होगा? यहाँ पे आया होगा 18 हाथी। 18 हाथी। हाँ। क्या खेत था आपका? मेरा भीम का खेत था, बरबट्टी का, साग का। अच्छा। हाँ, प्याज वो सब का खेती था। लगभग कितना एक जगह में आप लगाए थे? यहाँ पे लगभग 1 एकड़। सारा का सारा बर्बाद हो गया। पहले तो हम लोग रात में आते थे तो हाथी पहले नहीं आती थी ना, तो अभी बाहर से आई तो उसके कारण हम लोग जानकारी नहीं हो पाई, तो उसके कारण। हाँ, पहले भी आया करता था जब धान लगाते हैं ना, तो अभी तो धान नहीं है तो घर में रहते हैं। प्रभुत किया, प्रभुत किया, अधिक नहीं किया। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? हम लोग का मोटा मोटी हुई 10-12 हज़ार का नुकसान हुआ। क्या चीज़ की खेती लगाए थे? हम धान का खेती। धान का खेती, धान का किसी को भी अभी तक उठा ही नहीं है क्योंकि पानी कर रहा था, इसीलिए हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि हाथी आते कहाँ से? इस पर चारा पहाड़ से आए। चारा पहाड़ से आए। इसमें चारा पहाड़ लोग, चारा गांव के लोग हाथी जो इधर ये करके खेत करके इधर लेके आ गए। अच्छा, यहाँ से गांव भी नज़दीक है क्या? गांव में हाथी घुसते हैं? नहीं, अभी तो तत्काल नहीं, पहले घुसता था, अभी घुसता नहीं है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। के फर्नीचर से अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर, नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन मानगो जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7997998059
अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे कैटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफायती और लजीज चाइनीज व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ। इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956158। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के जिला उद्यान पदाधिकारी मिथिलेश कुमार कालंदी ने कहा कि किसान फूल की खेती कर अच्छा खासा कमाई कर रहे हैं। जिला उद्यान पदाधिकारी मिथिलेश कुमार कालंदी ने कहा कि जिले में 6 जगह जरबेरा फूल की खेती किसान कर रहे हैं, जिससे किसान काफी अच्छा खासा मुनाफा कर रहे हैं और अपने परिवार के भरण पोषण भी कर रहे हैं। उद्यान विभाग की महत्वाकांक्षी योजना यह है। वहीं फिलहाल जरबेरा फूल को स्थानीय बाजारों में बेचा जा रहा है। प्रत्येक फूल 12 रुपया पीस में बेचा जा रहा है। अब किसानों को फूल की खेती की और काफी झुकाव हो रहा है। जरबेरा खेती के की तरफ किसानों का रुझान हुआ है और उद्यान विभाग का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें हमारे किसान भाई संरक्षित खेती के माध्यम से, जिसमें हम लोग सेडलेट देते हैं किसानों को अनुदानित दर पर, उसके अंदर जरबेरा की खेती सफलतापूर्वक कर रहे हैं। पिछले साल हम लोग 6 किसानों को दिए थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा इसका फायदा उठाया था। कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन लगा था तो कुछ दिन के लिए इसका मार्केटिंग में असुविधा हुआ था, लेकिन फिर जब धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति हुआ तो किसान काफ़ी इससे फायदा उठाए। और चूंकि हम लोग का यहाँ का जो क्लाइमेट है इसको सपोर्ट करता है इस खेती को, और किसान काफ़ी रुचि लेकर के कर रहे हैं। उद्यान विभाग किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराता है सेडनेट, जिसके अंदर वो जरबेरा की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं।
और जमशेदपुर में झारखंड आंशिक लॉकडाउन का साइड इफेक्ट देखने लगा है, जहां सरकार द्वारा लिए गए फैसले में कोचिंग संस्थानों के बंद करने का विरोध कोचिंग संस्थानों के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार पिछले 3 वर्ष से कोचिंग संस्थानों को लगातार बंद करवाया जा रहा है। जब भी लॉकडाउन किया जा रहा है तभी सबसे पहले कोचिंग को बंद करवाया जाता है। ऐसे में तमाम कोचिंग सेंटरों के संचालकों के समक्ष घोर आर्थिक तंगी की स्थिति आन पड़ी है। इन्होंने कहा कि इस आंशिक लॉकडाउन में रेस्टोरेंट बार आदि को अधिक क्षमता के साथ संचालित करने की छूट दी गई है और कोचिंग को बंद कर दिया गया है, जबकि कोचिंग सेंटरों में इतनी अच्छी व्यवस्था है कि वे भी आधी क्षमता के साथ कोचिंग को संचालित कर सकते हैं। वैसे इन्होंने राज्य सरकार से 25% क्षमता के साथ कोचिंग सेंटरों को खुलवाए जाने की मांग की है। आज मॉल खुला हुआ है, फिर बार भी खुला हुआ है, तो वहाँ भी जब सरकार ने छूट दे रखा है 50% का, कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग 25% बच्चा ही मांग रहे हैं, वो उनको हम लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले 3 साल से आर्थिक रूप से जो है पूर्ण रूपेण जो है वो टूट चुका है सब कोई का आर्थिक रूप से कमर, तो ये हम लोग की डिमांड है। और बन्ना गुप्ता जी के साथ हमारी शनिवार को मुलाकात होगी और उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि 15 तारीख के बाद भी अगर एक्सटेंड होता है, देखिए संपूर्ण लॉकडाउन होता है तो कोचिंग संघ जो है जमशेदपुर का ये पूरा समर्थन देगा सरकार को, लेकिन आंशिक रहने से कोचिंग को सिर्फ बंद कर देंगे तो ये दिक्कत की बात होगी। बच्चों का स्कूल को बंद करना समझ में आता है, बच्चों को हम लोग जो क्लासेज भी हैं वो लोग भी अपने से बंद कर दिए हैं, लेकिन इस समय में और ऑनलाइन जो ऑप्शन है, चूंकि रूरल एरिया के भी बच्चे आते हैं, 3-3, 4-4 घंटे का क्लास, कोई डेटा सपोर्ट नहीं मिलता है तो हम लोग नहीं कर पाते उसको, और इसलिए नुकसान भारी हो रहा है सारे लोगों को, और इसलिए विरोध करने के लिए हम लोगों ने आम बगान में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ताकि हम लोगों की स्थिति अब ऐसे ही होने वाली कि हम लोग ऑफिस में बैठने लायक भी नहीं बचेंगे, तो सरकार से हम लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हम लोगों को कम से कम 25% स्ट्रेंथ के साथ मौका दे कोचिंग चलाने का। और सोनारी निवासी एक पीड़ित परिवार SST से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। मामले के संबंध में पीड़ित व्यक्ति प्रदीप कुमार साहू ने बताया कि वह सोनारे स्थित बालीचला स्कूल के समीप रहता है। वहीं सामने एक मकान में रहने वाला विनोद सिंह उसके घर के सामने शेड लगा रहा है, मना करने से धमकी दे रहा है। वह दबंग किस्म का व्यक्ति है। रोड में गिट्टी बालू रहने से जाम की स्थिति पैदा हो गई है। थाना में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई न होता देख न्याय की गुहार लेकर पूरा परिवार SST से मिलने पहुंचा है। सर, हमारा घर का सामने एक विनोद सिंह नाम का आदमी रहता है, टाटा स्टील में नौकरी करते हैं सर। वो घर बना रहे हैं सर, हमारा घर का सामने शेड डाल दिया गया सर, उसको हटाने बोलने से वो दमन टैंक का आदमी है सर, कभी भी कुछ कर सकता है सर, अनहोनी हम लोग का साथ हो सकता है सर। हम लोग थाना गए, SST ऑफिस गए, DC ऑफिस गए, लैंड ऑफिस गए, JNSC गए, विशेष अधिकारी को वहाँ गए, अनुमंडल पदाधिकारी को वहाँ गए, कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हुआ सर। कितना दिन से दौड़ रहे हैं? हम दौड़ रहे हैं सर, आज 15 दिन से दौड़ रहे हैं सर। आज आए हैं सर, SSP सीनियर SSP के वहाँ आए हुए हैं सर। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा घर का सामने जो दखल किया गया है सर, उसको हटा दिया जाए सर, हमारा उनसे यही अनुरोध है सर। हमारा नाम सर प्रदीप कुमार साहू। न्यू रानी कोदार स्थित मस्जिद में एक दिवसीय कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन मस्जिद कमेटी की ओर से किया गया। मस्जिद कमेटी के सदस्य ने बताया कि बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए क्षेत्र में वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया, ताकि क्षेत्र में जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है उन्हें भी यही वैक्सीन आसानी से मिल जाए। कैंप में कई लोगों ने हिस्सा लिया। जो लोग मस्जिद वैक्सीनेशन कैंप में आने में असमर्थ थे उनके घर जाकर वैक्सीन दिया गया। यहाँ सर्वे कराया गया था, 20-24 तारीख तक सर्वे कराया गया था। प्रथम डोज और दूसरी डोज जिनका समय पूरा हो गया था, जो प्रथम डोज नहीं लिए थे उनका, तो वैसे लोगों का जो है BLO के द्वारा सूची बनाया गया। फिर हम लोगों को अपने वैक्सीनेशन कोषांग से जो है टीम दिया गया है सुपरवाइजर को, मैं सुपरवाइजर बोल रहा हूँ संजय कुमार। और आज जो टीम मैंने रखा है यहाँ, जो लक्ष्य के अनुरूप जो है बहुत लोग बचे हुए थे प्रथम डोज वाले, उनके लिए जो है स्पेशल यहाँ जो है हम लोग कैंप किए हैं। और वहीं द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसवा के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिले के उपायुक्त और SP से मुलाकात कर उन्हें नए साल की बधाइयां दी। दोनों अधिकारियों ने द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसवा के सभी पदाधिकारियों को भी नए साल की शुभकामनाएं देते हुए पुलिस प्रशासन और पत्रकारों के बीच एक बेहतर तालमेल स्थापित कर जिला को आगे बढ़ाने का भरोसा दिया। उपायुक्त अरवा राजकमल ने द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसवा को झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त होने पर पूरे क्लब को बधाइयां दी और कहा कि इससे क्लब से जुड़े पत्रकारों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने क्लब के अध्यक्ष मनमोहन सिंह से जिले के सभी पत्रकारों को साथ लेकर चलने की अपील की
और कहा जिला प्रशासन के स्तर से हर जरूरी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं एसपी आनंद प्रकाश ने भी द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसवा को झारखंड सरकार से निबंधन प्राप्त होने पर खुशी जाहिर की और कहा किसी तरह की भी परेशानी होने पर जिला पुलिस पत्रकारों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा जिला पुलिस पत्रकारों के हर सुख दुख में सहयोगी की भूमिका में रहेगी। मौके पर द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसवा के संरक्षक विकास कुमार, अध्यक्ष मनमोहन सिंह, महासचिव मोहम्मद रमजान अंसारी, उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह, कोषाध्यक्ष संजीव कुमार मेहता, सदस्यता प्रभारी सुनील गुप्ता, आईटी सेल प्रभारी आशीष कुमार झा, बलराम पांडा व अन्य मौजूद थे। पब्लिक के समस्याओं के बारे में, उनके कठिनाइयों के बारे में पब्लिक की तरफ से प्रशासन और सरकार को अवगत कराना मीडिया का रोल होता है, वो ब्रिज का काम करता है। तो कभी कभी इतने सारे इंस्टीट्यूशन होने के कारण, कई सारे न्यूज़पेपर्स, कई सारे टीवी चैनल होने के कारण अक्सर एक तरह का राइवलरी का भाव भी रहता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है, जबकि मीडिया सभी का काम, उनका आशय एक ही है। तो उनके जो समस्याएं कुछ होती हैं वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आने से सभी का समाधान हो सकता है। तो अभी आप अवगत होंगे, कुछ ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रेस के मित्रों के लिए बीमा योजना का शुरुआत किए, ये भी सभी पत्रकार मित्र साथ में लड़ने से ही सरकार तक की बात पहुंची और माननीय मुख्यमंत्री जी उनका जो आशा है उसको ग्रांट किए हैं। इसी तरह का कई सारे कॉमन इश्यूज रहते हैं। बेस्ट विशेस टू एंटायर टीम। मैं उम्मीद भी करूंगा भविष्य में भी किसी भी तरह का प्रशासन की तरफ से यदि कोई मदद या कोई आवश्यकता हो, या इवन एट द सेम टाइम प्रेस के माध्यम से यदि प्रशासन को किसी आवश्यकता होती तो जरूर द प्रेस क्लब के माध्यम से ही हम लोग बात करेंगे और आप लोगों से भी सहयोग और सुझाव हम लोग लेते रहेंगे। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर नक्सली हमला हुआ जिसमें उनके दो बॉडीगार्ड की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पश्चिमी सिंहभूम के गोयलकेरा स्थित घोर नक्सल प्रभावित जिलरुवा गांव में मंगलवार को नक्सलियों ने मनोहरपुर के पूर्व भाजपा विधायक गुरुचरण नायक पर हमला बोल दिया। गुरुचरण नायक ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। उनकी सुरक्षा में तैनात दो बॉडीगार्ड को नक्सलियों ने गला रेत कर मार डाला, वहीं एक जवान अपनी जान बचाने में सफल रहा। नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों के राइफल भी लूट लिए। घटना शाम की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक गोयलकेरा थाना क्षेत्र के जिलरुवा गांव में जिलरुवा प्रोजेक्ट स्कूल के वार्षिक उत्सव खेलकूद समारोह के दौरान घटना हुई है। गुरुचरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। उस समय पूर्व विधायक बच्चों को पुरस्कार देकर मंच से उतर रहे थे, तभी यह घटना घटी। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने कहा कि मेरे आंख के सामने मेरे सुरक्षा गार्ड को मार दिया गया, किसी तरह जान बचाकर भाग निकले हैं। 15 से 20 की संख्या में नक्सली थे, मुझे काफी खोजबीन भी किया गया। क्या बताऊं, हम तो आंख देखा हाल, मेरा गाल सब मर गया, दो मार दिया आंख के सामने। हमको भी दौड़ाया था, हम तो कैसे कर भीड़ में घुस गए, भीड़ में घुसते हुए हम झुंड में घुसे। उसके बाद अंधेरा, जैसे थोड़ा अंधेरा हुआ तो हम खेतों खेत आ करके घर के सामने आ गए। फिर हमको चारों तरफ खोजने लगा सभी घर वाले भी, घर बगल में, घर से 1.5 किलोमीटर दूरी में टुनिया से। कैसे वहाँ हमला हुआ, जैसे आप हमला, जैसे हम लोग वहाँ पर हर साल की भांति वहाँ पर वार्षिक उत्सव होता है हाई स्कूल का, हाई स्कूल का स्थापना दिवस मनाया जाता है 3-4 तारीख को प्रत्येक साल जनवरी को। तो वहाँ पर प्रत्येक साल हम लोग जाते हैं तो खेलकूद होता है, खेलकूद खत्म हुआ जल्दी, करीब 5:30 आसपास खत्म हो गया था डिस्ट्रीब्यूटी, और गाड़ी भी लग गई थी आने के लिए। उसी बीच में आ गए सब नक्सली 15-20 की संख्या में। अब बॉडी गार्ड जैसे हम बैठना चाह रहे थे गाड़ी में, घुसना चाह रहे थे, उस समय आगे तक गाड़ी में भी नक्सली तो बोला सिविल में तो पता ही नहीं चला, सिविल घेर लिया और सबको, और सामान भी लूट लिया, और दोनों गार्ड को तो मार दिया वहीं पर स्पॉट में। गोली भी चलाई थी, गोली अब मैंने जो इन लोग छिपा लूट करके जो राइफल लिया उसी में गोली चला रहा था, तो ध्यान तो नहीं दिया, हम अपना जान बचा करके हम भी कैसे भीड़ में घुसते हुए निकल गए। जो दो गार्ड की मौत हुई है, क्या नाम उनका बता सकते हैं? एक शंकर नायक था और एक झनगर ठाकुर है, घायल है वो ये राम कुमार टूडू। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर।
आमरापाड़ा और लिट्टीपाड़ा के बीच बस और गैस सिलेंडर ट्रक में हुई भीषण टक्कर, 5 लोगों की घटनास्थल पर हुई मौत, कई लोग हुए घायल। जिले के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंदकिशोर लाल दल बल के साथ निकले सड़कों पर, कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों को लगाई फटकार। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हुआ नक्सली हमला, 2 बॉडीगार्ड की गला रेत कर हुई हत्या के विरोध में बीजेपी मानगो मंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का किया पुतला दहन। और कोल्हान समेत पूरे झारखंड में शुक्रवार से बदलेगा मौसम का मिजाज, छाएंगे बादल, बारिश की जताई जा रही है संभावना। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।